नमस्कार दर्शकों, आप सभी का सिटी मैप पर स्वागत है। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ देश प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। देश में आज फिर बढ़े कोरोना मरीज। बीते 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा नए मामले, 640 मौतें। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने पर्चे उड़ाए, भारी हंगामे के बीच लगे खेला होबे के नारे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का भारत दौरा, की एस जयशंकर से मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। कर्नाटक में सीएम बदला, अब कैबिनेट में भी होगा फेरबदल, येदियुरप्पा के करीबी हो सकते हैं बाहर। पीएम मोदी ने बीएस येदियुरप्पा के योगदान को बताया अभूतपूर्व, ने सीएम को भी दी बधाई। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को एक और बड़ा झटका, मुंबई की अदालत ने खारिज की जमानत याचिका। लखनऊ के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का हाल जानने पीजीआई पहुंची उमा भारती। बाराबंकी हादसे पर पीएम मोदी ने सीएम योगी से फोन पर की बात, घायलों का होगा फ्री में इलाज। दिल्ली में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, निचले इलाकों में जलभराव की चेतावनी। कोरोना मैनेजमेंट के लिए 4 लाख कार्यकर्ता तैयार करेगी भाजपा, 2 लाख गाँव तक करेंगे संपर्क, पहुँचाएंगे मदद। मोदी सरकार ने संसद में बताया जम्मू कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा, आतंकवाद पर भी दी रिपोर्ट। अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने मारा छापा, 12 जगहों पर एक साथ दबिश। हिमाचल में फिर कुदरत का कहर, बादल फटने से आई बाढ़, 7 लोगों की मौत की आशंका, 9 लापता। फर्नीचर तोड़ मंत्री विधायकों पर चलेगा केस, केरल की लेफ्ट सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। केरल में चर्च का ऐलान, 5 से अधिक बच्चों वाले ईसाई परिवार को हर माह देंगे आर्थिक सहायता। राजकुंद्रा ने लॉकडाउन में 5 महीने के अंदर फोन वीडियो से कमाए 1.17 करोड़, 2023 का था बड़ा टारगेट। पंजाब सरकार का ऐलान, किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले 220 किसानों के परिजनों को मिलेगी सरकारी नौकरी। पंजाब में निवेश की दिखाई रुचि, जर्मनी के राजदूत ने की कैप्टन से मुलाकात, पूर्ण सहयोग का दिया भरोसा। देश प्रदेश से जुड़ी हर खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें सिटी वैब। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।